हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू द ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर गौरव सहू आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन। तो इससे पहले जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम हर शाम 6 बजे आपके लिए लाइव लेके आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, जिसे आप वॉच करेंगे तो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो बिल्कुल जान लीजिए, एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे रोज 6 बजे हम आपके लिए लाइव सेशन लेकर आते हैं। रोज एक टॉपिक हम कवर करते हैं, हर वीक हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलते हैं। सबसे फर्स्ट वीक हमने जो जिससे स्टार्ट किया था, हमने इंटरव्यू क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। आपको बताया था कि हमारे ब्रिज और हाईवे इंडस्ट्री में जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन के लिए जाओगे या इंटरव्यू देने जाएंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, तो इसके बारे में हमने पूरे एक हफ्ते डिस्कस किया था इस चैनल में। आप सबके पसंदीदा चेतन सर, मैं खुद इंजीनियर गौरव साहू, विवेक सर, साथ ही साथ टिकेश सर, हम चारों मिलकर आपके लिए इसमें लाइव सेशंस, मेन वीडियोस, साथ ही साथ शॉर्ट्स के माध्यम से आपको अपना नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको फ्री में ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करते। तो हमारे साथ जुड़े रहिए हर रोज 6 बजे। देखते कितने लोग हमारे साथ जुड़े, 5 लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो एक बार हाय लिख दीजिए सब कोई और या फिर लाइक कर दीजिए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अपने स्क्रीन में। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे आज टेस्ट। इस पूरे वीक हम टेस्ट्स के बारे में जानेंगे। पिछले सैटरडे को हमने एक टेस्ट के बारे में बात किया था, फायर एंड फ्लैश टेस्ट के बारे में, जो बिटुमिन में करते हैं हम, उसको करना क्यों जरूरी रहता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी अहमियत है और क्या कारण है। अगर ये सब चीज़ हमने पिछली लाइव में डिस्कस किया था, लाइव हमेशा यूट्यूब में आपको मिलेगा, अपलोडेड मिलेगा। अगर आपसे रह गया तो आप वापस जाकर भी उसे देख सकते हैं। आज इस पूरे वीक हम ब्रिज और हाईवे से रिलेटेड उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर रोज़ एक एक लैब टेस्ट हम जानेंगे कैसे परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल। अब 3D मॉडल से क्यों, हमें पढ़ाने में भी आसानी होती है और आपको विजुअलाइज करने में भी आसानी होती है, आपके दिमाग में समझने में भी आसानी होती 3D मॉडल की मदद से कि आखिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि हमें प्रोसीजर क्या है और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बताते रहूँगा, जो हम आपको याद रखनी है, जिससे अगर इन फ्यूचर अगर आपको जब आप इंटरव्यू देने जाए और आपसे इंटरव्यूअर पूछता है इससे रिलेटेड तो आपको तुरंत याद आ जाए और आप उसका आंसर दे सके। तो मनीष कुमार जी ने हाय बोल रहे हैं, हाय सर, DRK हाय, सूरत सिंह हाय, DRK जी लव फ्रॉम कर्नाटक, अरे वाह बहुत बढ़िया सर। तो शुरू करें, आज का हमारा टॉपिक है ये एकदम कॉमन टॉपिक है, ये एक्सपेरिमेंट मतलब आपको आना ही चाहिए, ये सबसे अगर आपसे कोई भी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है तो इसका नंबर सबसे पहले आता है, पेनिट्रेशन टेस्ट। अब आपको पता है हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो मेन बाइंडिंग मटेरियल है वो हमारा बिटुमिन है, तो उसका हम पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पेनिट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज में छेद कर रहे हैं, पेनिट्रेशन कर रहे हैं, तो वो हम क्यों करते हैं और बिटुमिन में स्पेशली ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा कि पेनिट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं विद द डाटा जो रहता है हमारा। तो चलो अभी शुरू करते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या क्या पैरेटस लगेंगे, कौन कौन से टूल्स लगेंगे और टूल्स के नाम क्या क्या है। आपको सबसे पहले तो जो अपैरेटस हम यूज करने वाले उसका नाम तो बिल्कुल याद रखना है। मेरे तरफ से एक आपके लिए सजेशन है, हिंट है कि नाम याद रखोगे तो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 50% क्लियर हो ही जाएगा। तो शुरू करते हैं, ये हमारा 3D मॉडल है, कुछ इस तरीके से रहेगा, विजुअलाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या अपैरेटस हम यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले अपैरेटस और टूल्स में जो हमें सबसे पहले लगेगा, क्योंकि हम बिटुमिन के लिए कर रहे हैं तो बिटुमिन का सैंपल, ये हमारा सबसे पहले बिटुमिन का सैंपल, यहाँ पे बिटुमिन एग्रीगेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमें लगने वाला है इस पे वो है हमारा वेइंग मशीन, वेट करने के लिए, वजन नापने के लिए हमारा वेइंग मशीन काम आएगा। इसके बाद हमारा आता है हीटर। अब जो हमारा रॉ बिटुमिन है
अगर आप डायरेक्टली उसे माइन से बिटुमिन लेकर आ रहे रिफाइनरी से इंडस्ट्री से, जो अगर रॉ बिटुमिन आता है तो वो हार्ड रहता है, हार्ड रहता है मतलब सॉलिड फॉर्म में रहता है रॉ बिटुमिन हमेशा, तो बट क्या स्टिकी रहता है, इलास्टिक रहता है उसको, बट बस मेल्ट करने की जरूरी रहता है। उसमें स्टिकी होने की वजह से हमारा जो एग्रीगेट के साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनाता है, रोड हमारी काफ़ी अच्छी बनती है उसकी वजह से। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले तो रॉ बिटुमिन को मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने के लिए हमें चाहिए हीटर, हीटर के बाद हमें क्या चाहिए, हीटर के बाद हमें चाहिए ये सिलेंडर, ये सिलेंडर। अब सिलेंडर आप मेल्ट करेंगे, आप बिटुमिन मेल्ट करेंगे, उसके बाद आपको कहीं पे पोर तो करना है, तो ये सिलेंडर में पोर करेंगे। और सिलेंडर का डायामीटर कितना रहेगा, डायामीटर ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई जो सिलेंडर आप परफॉर्म कर रहे जिसमें एक्सपेरिमेंट, तो उसका डायामीटर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका यहां से लेकर यहां तक इसका जो डायामीटर रहेगा वो है 55 mm का रहेगा, ठीक है, 55 mm का सिलेंडर का डाया। अब डेप्थ कितना रहेगा, डेप्थ भी पूछा जाता है, डेप्थ इसका रहेगा 35 mm इसका डेप्थ रहेगा, मतलब इसकी गहराई जो रहेगी हमारे सिलेंडर की 35 mm, और जो इसका डायमीटर रहेगा वो है 55 mm का। उसके बाद हमारा आएगा टाइमर चेक करने के लिए स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच के बाद आता है हमारा ऑटोमेटिक पेंट्रोमीटर मशीन। ये नाम बिल्कुल याद रख लो, पेंट्रोमीटर मशीन, यही वो अपैरेटस है जिससे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नाम याद रखना, जितने भी हम लैब टेस्ट के बारे में बात करेंगे उसमें अपैरेटस का नाम, जो मेन अपैरेटस का नाम है उसे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका है ऑटोमेटिक पेंट्रोमीटर मशीन। इसमें दो टाइप के आते हैं, एक तो हो गया हमारा ऑटोमेटिक पेंट्रोमीटर मशीन, साथ साथ एक सेकेंड क्लास का आता है जो मैनुअल रहता है, तो उसे हम सिर्फ पेंट्रोमीटर मशीन कहते हैं, मैनुअल पेंट्रोमीटर मशीन कहते हैं, ये हमारा ऑटोमेटिक मशीन है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जो जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप जुड़ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज मुझे हाय बोलिए, मैं यहाँ पे आप सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आगे चलते, ये तो हो गया हमारा पेंट्रोमीटर मशीन, ये हमारा मेन टूल रहेगा। इसके बाद जो हमारा एक टूल आता है वो है वाटर बाथ, वाटर बाथ कुछ इस तरीके का रहता है। इसके बारे में हम आगे जब प्रोसेस में जाएंगे, स्टेप में जाएंगे, तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये यूज क्यों हो रहा है, वाटर बाथ की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब हमारा एक्सपेरिमेंट यहां से चालू होना स्टार्ट होता है, जो स्टेप वन है, स्टेप वन में हम यूज करने वाले एक तो तवे टाइप का ये जो है, ये आपका ट्रे है, ट्रे के नीचे हमारा हीटर, हीटर जो मैंने आपको अपैरेटस में टूल्स में दिखाया था हीटर, इसलिए यहाँ पे हमने बिटुमिन डाल दिया। बिटुमिन को हीट करेंगे, हीट करेंगे क्यों, उसे हमें मेल्ट करना है। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, हम एज अ टेक्निकल स्टूडेंट्स, एज अ टेक्निकल इंजीनियर्स, हम नंबर्स पे ध्यान देते हैं, हम टेक्निकल नंबर्स पे ध्यान देते हैं, हम डिग्री सेल्सियस ये सब पे बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है, ये सब चीज़ें के थ्रू ही अगर आप अगर किसी को कन्वे कर रहे हैं अपना मैसेज, अपना नॉलेज, तो इसके थ्रू ही समझेगा। आप ये नहीं जाके बोल सकते कि भाई मेरे को मेल्ट करना है, मेल्ट तो करना ही है, बट किस टेम्परेचर पर करना, किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा। तो जो हमारा बिटुमिन है, जो हमने सैंपल लिया, अगर 100 ग्राम का सैंपल लिया है तो उसका हमें टेम्परेचर रखना है 60 to 105 degree Celsius, इस बीच में वो मेल्ट होगा 75 degree to 105 degree Celsius, डिपेंडिंग अपॉन आपका सैंपल साइज कितना है। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो प्रोसीजर लिखा है हमारा 60 degree Celsius लिखा है, और 90 degree Celsius अप टू, और जो हमारा IRC कहता है 75 to 105 degree Celsius तक हम रखते हैं जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। तो कब तक हमें इसे हीट करना है, जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट होने के साथ साथ हमें इसे स्टर करना है। स्टर क्यों करेंगे, ताकि स्टर मतलब उसे हम हिलाते रहेंगे। हिलाने का मेन कारण है कि इसका इसके अंदर कोई अगर एयर बबल है या कोई लम्स रह गए तो वो सब एक समान हो जाए और किसी भी तरह का गठान ना रहे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके सैंपल्स में कोई गठान या कुछ है तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, 300 mm के सीव से, 300 micron के सीव से उसे छानना है, ताकि कोई भी अगर उस पर लम्स हैं या कोई भी इम्प्योरिटीज है तो वो अलग हो जाए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा स्टेप टू है, हमारा बिटुमिन हमने मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस सिलेंडर में हमें इसे पोर करना है, इसके अंदर हमें डालना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। 35 mm मैंने आपको बताया था इसकी डेप्थ है, साथ ही साथ हमें 10 mm उससे ज़्यादा फिल करना है ताकि हमारा जो पेंट्रोमीटर का नीडल है वो उसको बेयरली टच करे। बेयरली मतलब एकदम मामूली सा टच करे, वहाँ तक हमें इसे फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब जो हमारा स्टेप वन हो गया मेल्टिंग, सेकेंड स्टेप हो गया यहाँ पे मोल्डिंग, हमने सिलेंडर में डाल दिया। अब थर्ड स्टेप पे हमें इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने में इसे कूल ऑफ होने देना, हमने मेल्ट किया, काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा तो अब इसे कूल ऑफ करने के लिए 1 घंटे से लेकर 90 मिनट्स तक हम इसे कूल ऑफ होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर में। ओके, रूम टेम्परेचर हमें इस पर जल्दबाजी नहीं करनी है, रूम टेम्परेचर में इसे ठंडा करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टेप फोर आता है, यहाँ पे हमारा वाटर बाथ की कहानी स्टार्ट होती है। ये जो हमारा वाटर बाथ का पैरेटस है, यहाँ पे इसका रोल आता है। जो हमारा रूम टेम्परेचर में हमने 1 से 1.5 घंटा उसे ठंडा होने दिया, कूल ऑफ होने दिया, उसके बाद हमें इस सिलेंडर को, बिटुमिन सैंपल का सिलेंडर को हमें इस वाटर बाथ में डालना है। वाटर बाथ से इस अपैरेटस में पानी रहेगा, पानी जो रहेगा हमारा टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। कितने टेम्परेचर पे कंट्रोल रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल वर्ड्स है, टेक्निकल नंबर्स है जो आपको याद रखना है। इसी से आपकी नॉलेज पता चलती कि आपको कितना पता है, आपको आपके में कितना कॉन्फिडेंस। तो बस इसे ध्यान से सुनिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट्स है, जितने एक्सपेरिमेंट्स है बहुत आसान है। वाटर बाथ में हमने रखा है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, वाटर का टेम्परेचर हम कितना रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस जो कि कंट्रोल रहेगा, इसको वाटर बाथ में हम रखेंगे। तो कब तक रखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे यहाँ पे 1.5 to 2 hours तक, मतलब 1.5 से 2 घंटे तक हमें इसको इसे सबमर्ज करके रखना है इस वाटर बाथ में। राम सागर चौरसिया जी हाय बोल रहे हैं, हाय राम सागर जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वाटर बाथ तो हो गया, नहला दिया हमने भैया सैंपल को, वाटर बाथ हो गई उसकी। अब हमारा असली एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे आ गया हमारा पेंट्रोमीटर। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे, पहले तो ये समझ लो कि ये बना किस चीज से। तो इसमें आपको जैसे दिख रहा है ये एक अपैरेटस है, ठीक है। अपैरेटस के नीचे एक डिस्क बनी हुई है जिसके ऊपर में हमारा सिलेंडर है। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि ये जो डिस्क है ये लेवल है कि नहीं, आपका अपैरेटस लेवल है कि नहीं। अगर वो लेवल नहीं है, अगर उस पर एंडुलेशन है तो आपकी रीडिंग कम ज़्यादा आ सकती है, उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लेवल करेंगे। लेवल कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पर आपको स्पिरिट बबल दिया रहेगा, स्पिरिट बबल की मदद से हम इसे लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये आपका नीडल है, ये है आपका नीडल, और इसकी थिकनेस आपकी हो सकती 0.16 micron से 0.17 micron, ये इसकी थिकनेस हो सकती है, ये इसकी थिकनेस होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक स्विच दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एक स्विच दिख रहा होगा, ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये टाइमर से कंट्रोल होगा। जैसे ही आप इसे एक बार प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए नीचे जाएगा बस, और यहां पे जो ये है आपका लोड यहां पे झूल रहा है, ये लोड है। ये लोड कितना रहेगा, 100 ग्राम्स का प्लस माइनस 0.25 ग्राम्स प्लस माइनस हो सकता है, 100 ग्राम का वो वेट है। ये वेट ही डिसाइड करेगा कि ये कितना पेनिट्रेट कर रहा है इस बिटुमिन के अंदर, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट रहेगा हमारा वेट, साथ ही साथ ये बटन दबाने के बाद कितने सेकंड, 5 सेकंड, ये भी याद रखने वाले टेक्निकल नंबर है, 5 सेकंड तक हमें रखना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें हमको कुछ नहीं करना, मैनुअल में हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो हमने सैंपल स्टेप 5 में सैंपल को तो मशीन में रख दिया, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते। नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा स्टेप 6। यहां पे क्या बोल रहे हैं, स्टेप 6 में क्या बोल रहे हैं, एडजस्ट द नीडल सो दैट इट्स टिप जस्ट टचेस द सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया 35 mm डीप का हमारा सिलेंड्रिकल स्फीयर है, उसमें हमने 10 mm एक्स्ट्रा डाला ताकि 10 mm ऊपर तक डाला ताकि जो हमारा ये जो नीडल है, ये हमारा जो नीडल है ये
बेयरली टच करे, मतलब बिटुमिन को एकदम हल्का सा टच करना चाहिए तब तक हमें वो करना है, उसके बाद में हमें ये बटन प्रेस करना है, उसके बाद जो पेनिट्रेशन होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, उसे हमें नोट करना है। यहाँ पे आपको वेट मैंने आपको बताया था 100 ग्राम्स का रहेगा, प्लस माइनस 0.25 ग्राम्स, इतना हमें एरर हमें अलाउड है, कितना अलाउड है, प्लस माइनस 0.25 ग्राम्स। हर्ष जी बोल रहे हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको भी, मैसेज करते रहा करो यार, अच्छा लगता है यहाँ पे आपसे इंटरेक्ट करके। आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट करो, मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई टॉपिक से, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है अगर ब्रिज या हाईवे से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे मैसेज में चैट में लिख सकते हैं, ताकि हो सकता है अगर हमें वो टॉपिक पसंद आए तो उस पर, अगर रिक्वायरमेंट है काफ़ी लोगों को चाहिए तो हम उस पर स्पेसिफिकली वीडियो बनाकर लाएंगे या लाइव सेशन लेकर आएंगे। फायदा आपका ही है, मौके का फायदा उठाओ, जितना मौका मिल रहा है हमें सजेशंस दो कि आपको क्या चाहिए, हमें आपकी रिक्वायरमेंट पहचाननी है। उसके लिए यहाँ पे आपको चैट रिप्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे उसका फुल यूज करो। ये हो गया हमारा पेनिट्रेट हो गया, ये तो ऑटोमेटिक मशीन का, हमें सिर्फ बटन दबाना पड़ा। अब हमें जाते हैं मैनुअल की तरफ। ये हमारा मैनुअल मशीन है, स्टेप 7 में मैं दोनों लेकर आया हूं, ऑटोमेटिक भी लेकर आया हूं, मैनुअल भी लेकर आया हूं। तो क्यों, ये जो हमारा मैनुअल पेंट्रोमीटर रहता है, इसे हम स्टैंडर्ड पेंट्रोमीटर बोलते हैं, मतलब इसका जो टेक्निकल नेम है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पेंट्रोमीटर। और ये हम 5 सेकेंड का दोनों में है, एक ऑटोमेटिकली होगा एक मैनुअली होगा। इसको हम स्टार्ट बटन प्रेस करके छोड़ देना है 5 सेकंड तक, ऑटोमेटिकली विदाउट फ्रिक्शन ये नीचे जाएगा और यहाँ पे हमें जो पेनिट्रेशन होगा वो यहाँ पे शो होगा आपका। ये जो आपको डिस्क, तो ये जो आपको डिस्क दिख रही है यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी, यहाँ पे ये कुछ घड़ी जैसा दिख रहा है, जैसे हमारा वॉल क्लॉक रहता है घरों में, दीवारों में घड़ी लगाते हैं हम, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे रीडिंग रहती है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 400 से, यहाँ पे फिर जीरो रहता है, तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो हम इसे एडजस्ट करते हैं, हमारी जो नीडल है इसे हम पहले, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीड करने से पहले, इसे या तो हम 400 पे रखते हैं या जीरो पे रखते हैं, उसके बाद हम आगे नोट डाउन करते हैं रीडिंग। तो ये तो हो गया, अब यहाँ पे पेनेट्रेट हुआ, तो ये 1/10 ऑफ द मिलीमीटर, मतलब एमएम का 10वां भाग तक हमें रीडिंग बताता है। मतलब एमएम आप सोच सकते हैं एमएम कितना छोटा होता है, उसका 10वां भाग तक हमें ये रीडिंग बताता है। तो इतना माइन्यूट पेनेट्रेशन हो रहा है, तो हमें बहुत ध्यान से करना है। ये यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगी, उसे हमें नोट डाउन करना है। आगे चलकर बात करेंगे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्यों करते हैं, आगे चलकर बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो ये तो हो गया हमारा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमने अभी किया, या तो आप अगर मैनुअल पेंट्रोमीटर में करेंगे या स्टैंडर्ड पेंट्रोमीटर में करेंगे, या मतलब कि आपका मैनुअल पेंट्रोमीटर, तो हमें कितने बार परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, ये आईआरसी हमें क्या कहता है, आईआरसी हमें कहता है कि एक्सपेरिमेंट हमें एक सैंपल में 3 बार ट्राई करना है, और इनके बीच का जो गैप है हमें, ये एक्सपेरिमेंट एक सैंपल में एक सिलेंडर में 3 बार ट्राई करना है, 3 बार एक्सपेरिमेंट करना है। क्योंकि हम 3 बार क्यों करते, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम एक बार में क्यों नहीं करते, हम 3 बार करते ताकि हम एक एवरेज मीन वैल्यू निकाल सके, जिससे हमारी जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। एक्यूरेसी के लिए हम इसे मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करते ताकि हम एक मीन वैल्यू निकाल सके। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा आईआरसी बोलता है कि भाई यहाँ पे आपने पहला, अब मान के चलो यहाँ पे आपने पहला पेनिट्रेशन किया, अब इससे 10 mm अपार्ट, एटलीस्ट मिनिमम 10 mm अपार्ट हम आपको सेकंड पेनिट्रेशन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा पेनिट्रेशन करना है, 3 मिनिमम आपको करना है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आप डाउटफुल हैं तो, बट 3 हमें मिनिमम करना है, और उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो 10 mm का रहेगा ही रहेगा। तो 3 बार तो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, ओके।
अब लास्ट स्टेप आता है हमारा टेबुलेशन। टेबुलेशन से मेरा मतलब है कि आपने जो रीडिंग ली उसे आपको नोट डाउन करना है। तो ये रीडिंग क्या बताती है हमें, तो ये रीडिंग हमें बताती है जैसे आपका जो बिटुमिन का ग्रेड है उसे हम जो बिटुमिन है उसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में हमने बांटा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेड है, हमारा जैसा पेनेट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे वैल्यू। जैसा हमारा ग्रेड रहेगा उसके हिसाब से पेनेट्रेशन होगा, और पेनेट्रेशन से जो वैल्यू आएगी उससे ही क्या क्लियर होगा हमारा, उससे क्या क्लियर होगा, जितना हमारा कम पेनेट्रेशन हो रहा है मतलब जितनी कम वैल्यू आएगी उतना हार्ड है आपका बिटुमिन, उतना ज्यादा हार्ड है। यहाँ पे ये कुछ है, ये मीडियम है मतलब सॉफ्ट और हार्ड के बीच का है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे है, जितनी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है, जितना ज़्यादा यहाँ पे पेनेट्रेशन होगा मतलब कि आपका बिटुमिन उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट और हार्ड से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, सॉफ्ट और हार्ड से मतलब क्या है, सॉफ्ट और हार्ड से मतलब ये कि ये हमें बताता है कि ये ग्रेड का बिटुमिन हमें यूज़ कहाँ पे करना है, हार्ड बिटुमिन कहां पे यूज करना है, कौन सा बिटुमिन हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, उसका ग्रेड क्या है, उसके हिसाब से हम वो बिटुमिन को यूज करेंगे उस एरिया में, उस रोड में यूज करेंगे जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30-40 मतलब कि हार्ड बिटुमिन है, हार्ड बिटुमिन हम कहां यूज करेंगे, हार्ड बिटुमिन हम उस पेवमेंट पे यूज करेंगे, उस एरिया में, उस ट्रैफिक वाले रोड पे यूज करेंगे जहां पे उसका ट्रैफिक काफी ज्यादा है, गाड़ियों का ट्रैफिक काफी ज्यादा है, मान के चलो 3,000-4,000 गाड़ियां वहां से रोज गुजर रही है, ऐसे हाई ट्रैफिक एरिया में हम कौन सा यूज करेंगे, हार्ड बिटुमिन यूज करेंगे। हार्ड बिटुमिन यूज करने का मेन मकसद ही है कि हाई ट्रैफिक को विथस्टैंड कर सके, लॉन्ग लास्टिंग रहे। वही अगर हमारा सॉफ्ट बिटुमिन हम कहां यूज करेंगे, हमारा ट्रैफिक काफी ज्यादा लो है मतलब गाड़ियां चलती नहीं, ना के बराबर चलती, तो हम इस टाइप का बिटुमिन यूज करेंगे एकदम नीचे का मतलब सॉफ्ट बिटुमिन। तो ये फर्क हमें पता चलता है, यही फर्क हमें पता करना है कि हमारे साइड पे जो बिटुमिन आया उसका ग्रेड क्या है, वो हमारे साइड पे हमारे पेमेंट पे बिछाने लायक है कि नहीं, ये है इसका मेन पर्पस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेंट्रोमीटर टेस्ट हम क्यों करते हैं, पेनेट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं बिटुमिन का, ये है इसका मेन पर्पस। निनाद शिंदे जी का रिक्वेस्ट आया है, वीकेड अपैरेटस टेस्ट, लव फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। अरे वाह बहुत बढ़िया सर, देखो यार ऐसे सजेशन देते रहा करो तो हम लोग लेके आएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट हमको पता चलेगी और आपका विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट आप हमको डायरेक्टली बता पा रहे हैं, तो इससे हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस और लाइव सेशन लेकर आ पाएंगे। ये लाइव सेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लोगों की हेल्प लगती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ लाइक करिए और यहाँ पे चैट रिप्ले में आपका मैसेज हमें बताइए कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, हार्ड बिटुमिन सॉफ्ट बिटुमिन ये डिफरेंस पता करने के लिए हम ये करते हैं। अब कुछ प्रिकॉशन मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रिकॉशन हमें ध्यान रखनी है कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे प्रिकॉशंस रहती है, इसमें स्पेसिफिकली मैं आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ, पिछले वाले में नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि इस पे कुछ डेंजरस ये है कि जब आप बिटुमिन हीट कर रहे हैं, बिटुमिन हीट कर रहे हैं, बिटुमिन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर बाई चांस अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना है, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया और आप पे अगर वो छिटक गया तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, स्किन आपकी जल सकती है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रिकॉशंस, साथ ही साथ जो मेजरमेंट आप जो रीडिंग ले रहे हैं उसके टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया अपैरेटस का जो डिस्क है उसको पहले आपको चेक करना है कि वो लेवल है कि नहीं, और चेक कैसे करेंगे, स्प्रिट लेवल की मदद से। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा, हर रोज इस वीक हम नया एक एक्सपेरिमेंट लेकर आते रहेंगे लैब में, आज हमने जाना पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में, कल कुछ और लेकर आएंगे, कुछ कल कुछ एक नया टॉपिक रहेगा आपके लिए सरप्राइज रहेगा। तो हमारे साथ रोज 6 बजे जुड़े रहिए सिर्फ ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, पावर्ड बाय सिविल गुरुजी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में, अंटिल देन थैंक यू सो मच।